मैं किसान हूं आसमान में धान बो रहा हूं, मैं किसान हूं आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं कि गेगले गोगले अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और या तो आसमान में धान जमेगा। धर्म, मेरे गांव में लोहा लगते ही टंटना उठता है सदियों पुराने पीपल का घंट, चुप हो जाते हैं जातों के गीत, खामोश हो जाती हैं आंगन बुहारती चूड़ियां, अभी नहीं बना होता धान चावल, हाथों से फिसल जाते हैं मूसल, क्योंकि धर्म के टूटे कुएं से भरना होता है धर्म का ही फूटा लोटा। एक शंख बजता है और बेटे से छिपाया घी उधार का गुड़ मेहमानों का अरवा चढ़ जाता है शंकर जी के लिंग पर, और ढरदानी का बूढ़ा गण एक डिबिया सिंदूर में बना देता है विधवाओं से लेकर के कुमारियों तक को सुहागन। नहीं खत्म होता लोटिया भर गंगा जल, बेबाक हो जाते हैं फटे हुए आंचल और कई गांठों में कसी हुई चवन्नियां। मैं उनकी बात नहीं करता जो पीपलों पर घड़ियाल बजाया करते हैं या कि बन जाते हैं नींव का पत्थर, जिनकी हथेलियों पर टिका हुआ है सदियों से यह लिंग। ऐसे लिंग थापों की माएँ खीर खाकर बच्चे जनती हैं और खड़ी कर देती हैं नरपुंगों की पूरी जमात। मर्यादा पुरुषोत्तमों के वंशज उजाड़ कर फेंक देते हैं संबुकों का गांव, और जब नहीं चलता इसे भी काम तो धर्म के मुताबिक काट लेते हैं एक लग्नों का अंगूठा और बना देते हैं उनके खिलाफ तमाम झूठी दस्तखतें। धर्म आखिर धर्म होता है जो सुअरों को भगवान बना देता है, चढ़ा देता है नागों के फन पर गायों का थन। धर्म की आज्ञा है कि लोग दबाए रखे नाक और महसूस करें कि भगवान गंदे में भी गमकता है। जिसने भी किया संदेह लग जाता है उसके पीछे जयंत वाला बाण, और एक समझौते के तहत हर अदालत बंद कर लेती दरवाजा। अदालतों के फैसले आदमी नहीं पुरानी पोथियां करती हैं, जिनमें दर्ज है पहले से ही लंबे कुर्ते और छोटी छोटी कमीजों की दंड व्यवस्था। तमाम छोटी छोटी थैलियों को उलट कर मेरे गांव में हर नवरात्र को होता है महायज्ञ। सुलग उठते हैं गोरू के गोबर के दानों से निकाले हुए हाथ। नीम पर टांग दिया जाता है लाल हिरोल, लेकिन भगवती को तो पसंद होती है खाली तसलों की खनक, बुझे हुए चूल्हे में ओढ़ कर फूटा हुआ तवा, मजे से सो रहती है खाली पतीलियों में डालकर पाँव। आंगन में सिसकती रहती हैं टूटी चारपाइयाँ, चौरे पर फूल आती हैं लाल लाल सुहारियाँ, माया की माया भरवा के दिखा देती है बिना डोर के छलनी में पानी। जिन्हें लाल सुहारियाँ नसीब हों वह देवता होते हैं, और देवियाँ उनके घरों में पानी भरती हैं। लग्न की रातों में कुमारियों के कंठ पर चढ़ जाता है एक लाल पांव वाला स्वर्णिम खड़ा हूं, और एक मरा हुआ राजकुमार बन जाता है सारे देश का दामाद, जिसको कानून के मुताबिक दे दिया जाता है सीताओं की खरीद फरोख का लाइसेंस। सीताएं सफेद दाढ़ियों में बांध दी जाती हैं और धर्म की किताबों में घासें गर्भवती हो जाती हैं। धर्म देश से बड़ा है, उससे भी बड़ा है धर्म का निर्माता, जिसके कमजोर बाजुओं की रक्षा में तराश कर गिरा देते हैं पुरानी पोथियों में लिपटे हुए हथियार तमाम चट्टान तोड़ती छोटी छोटी बाहें, क्योंकि बामन का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है। भूसुरों के गांव में सारे बासिंदे किराएदार होते हैं, ऊसरों को तोड़ती आत्माएं नरक में ढकेल दी जाती हैं, टूटती जमीनें गदरा कर दक्षिणा बन जाती हैं, क्योंकि जिनकी माताओं ने कभी पिसुआ ही नहीं पिया उनके नाम भूपत महीपत श्रीपत नहीं सिर्फ दीपत हो सकते हैं। धर्म के मुताबिक इन्हें मिल सकता है बैतड़ी का रिजर्वेशन, बसरते की संकल्प दें अपनी बूढ़ी गाय और खोज लाएं सवा रुपया कर ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके। किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है, और सवेरे ही सवेरे जब ग्वालियों के माल पर बोलियां लगती हैं तो तमाम काले काले पत्थर दूध की बाल्टियों में छपकोरियां मारते हैं, और तब तक रात को ही भीगी जांघिए की उमस से आंखों को तरोताजा करते हुए चरवाहे खोल देते हैं ढोरों की मुद्दियां। एक बाड़ी गाय का एक लोदा गोबर गांव को हल्दी घाटी बना देता है, जिस पर टूट जाती हैं जाने कितनी टोकरियां, कच्ची रह जाती हैं ढेर सारी रोटियां। जाने कब से चला आ रहा है रोज का नया महाभारत, असल में हर महाभारत एक नए महाभारत की गुंजाइश पर रुकता है, जहां पर अंधों की जगह अवैधों की जय बोल दी जाती है और फाड़ कर फेंक दी जाती है उन सबकी अर्जियां जो विधाता का मेहर तोड़ते हैं। सुनता हूं एक आदमी कान फांद कर निकला था, जिसके एवज में इसके बाप ने इसको कुछ हथियार दिए थे। ये आदमी जेल की कोठरी को तैर कर पार कर दिया था दरिया, घोड़ों की पूछें झाड़ते झाड़ते तराश कर गिरा दिया था राजवंशों का गौरव। धर्म की भीख ईमान की गर्दन होती है मेरे दोस्त, जिसे काट कर पोख्ता किए गए थे सिंहासनों के पाए। सदियां बीत जाती हैं, सिंहासन टूट जाते हैं, लेकिन बाकी रह जाती है खून की शिनाख्त। गवाहियां बेमानी बन जाती हैं, और मेरा गाँव
मेरा गांव सदियों की जोत से वंचित हो जाता है क्योंकि कागजात बताते हैं कि विवादित भूमि राम जानकी की है।